आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कढ़ाई। इसे गर्म करने के बाद इसमें ऐड करते हैं तेल। 2 टेबल स्पून के लगभग हम लोग तेल लेंगे गर्म करने के लिए। और तेल गर्म होने के बाद इसे चेक करेंगे कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग राई डालते हैं। जब हमें लगे कि तेल गर्म हो गया है तो इसमें हमने थोड़ी सी राई और ऐड कर दी। इसके बाद पहले से कटी हुई हमारी हरी मिर्च थी उसको ऐड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खावन खंडे में। उसके बाद हम लोग मसाले ऐड करते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड करा था सूखा धनिया। लास्ट में पानी मिलाकर इस मसाले को पकने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। जब हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे पहले से काट कर रखे हुए हमारे आलू। मसाला पक्का कैसे इसका पता चलेगा हमें तेल आने के। देखिए ऊपर तेल दिख रहा है तो इसका मतलब मसाला पक गया है। इसमें हमने जो पहले से काट के एक मीडियम साइज का आलू काटा था वो ऐड कर देते हैं। अब इस आलू में पानी मिला के इसको पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे कि हमारा जो मसाला है पानी कम पड़ता जाएगा और आलू पकते जाएंगे। तो इसे और पकाते हुए लगभग 5 से 7 मिनट के बाद चेक करते हैं कि आलू पक गए हैं कि नहीं। बिल्कुल आलू पक गए हैं, पर थोड़ा सा जो पानी बचा है वो जो पूरा सोख जाएगा। तो हम इसमें पहले से काट के रखे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं। हमारी सब्जी लगभग तैयार हो चुकी है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर। और ये थाली में आ गई हमारी सब्जी।